सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष वाधवा फिटनेस को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What's up guys, this is उत्कर्ष वाधवा back with another video। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर डायबिटीज नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत से लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है और एक फिगर के ऊपर पहुंच जाता है तो आपको डायबिटीज हो जाती है, वो डायबिटीज डिक्लेयर हो जाती है। तो उस कंडीशन से हम कैसे बचें, हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए, कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए, कैसे हम इसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन आर टेम्परेरी। अगेन आई एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, तो मेडिसिन एक टेम्परेरी थिंग है जो आपकी उस टाइम के लिए उस फिगर को नीचे लाने में मदद करेगी, पर अगेन अगर आप वैसी लाइफस्टाइल रखेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी क्योर नहीं हो पाएगी। आप मेडिसिन एक दिन तो छोड़ेंगे ही ना, तो जिस दिन आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो वापस वो प्रॉब्लम अराइज होने का खतरा आपको बन सकता है। तो आज हम इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि डायबिटीज के कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ टाइप 1 डायबिटीज एंड सेकंड इज अ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। इसका रीजन अननोन है, ये क्यों होता है। जो बीटा सेल्स होते हैं बॉडी में उसको अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि दैट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसमें एक ही ऑप्शन होता है कि आप इंसुलिन बॉडी को प्रोड्यूस करें, आप वापस इंजेक्ट करें इंसुलिन आउटसाइड से। हम आज बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की, जो हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, विच आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट। इसमें क्या होता है, इंसुलिन आपकी बॉडी सही से यूज नहीं कर पाती। तो टाइप 2 डायबिटीज आपको कैसे होता है, ये होता है जब आप रेगुलरली ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता जा रहा है, आपका इंसुलिन खराब होता जा रहा है, तो उन चीजों से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइकिंग होती है, उस वजह से आपका इंसुलिन बर्बाद होता है, उसमें इफेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली आप पहले प्री डायबिटिक होते हैं, उसके बाद आपको डायबिटीज हो जाता है। प्री डायबिटिक इज अ कंडीशन इन विच योर बॉडी हैज वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल बट नॉट एज हाई एज टू कॉल इट अ डायबिटीज। तो ये होती है प्री डायबिटिक कंडीशन। मैं आपको फिगर्स दिखा देता हूँ पहले कि क्या कौन सी नॉर्मल फिगर्स हैं, कौन सी प्री डायबिटिक की फिगर्स हैं एंड व्हाट इज डायबिटिक फिगर। एज यू कैन सी हियर, इफ यू आर टेस्टिंग ऑन फास्टिंग, अगर आप फास्टिंग करके टेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल फिगर्स ये हैं। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मींस प्री डायबिटिक, मतलब इनको बहुत संभल के रहना पड़ता है क्योंकि प्री डायबिटिक है, अल्टीमेटली जरा और स्पाइकिंग हुई तो ये डायबिटिक बन जाएंगे। So you should take care at this stage. अगर आप eating का after eating test करवा रहे हैं तो आप ये normal figures होंगी। अगर आप 2-3 hours after eating test करवा रहे हैं तो आपकी ये figures होगी। तो आप video pause करके figures को study कर सकते हैं। So let's directly move to the tips which will help you cure diabetes. तो पहले टिप में जो जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता होगी, पर आप फॉलो नहीं करते वो टिप। इट इज कट डाउन ऑन योर शुगर। अगर आपका लो ब्लड शुगर लेवल है तो आप जरूर एड अ टीस्पून ऑफ हनी एंड यू विल हैव द परफेक्ट फिगर ऑफ ब्लड शुगर लेवल। पर अगर आप डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है और आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है तो यू हैव टू कट डाउन योर शुगर। आपको शुगर कट डाउन करनी पड़ेगी, उसकी लिमिट होती है। अगर आप मेल एडल्ट हैं तो आपकी फिगर है 36 ग्राम पर डे की, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी फिगर है 22 ग्राम पर डे। दिस इंक्लूड शुगर, दिस इंक्लूड योर फ्रूट, बिकॉज फ्रूट में भी शुगर होती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन डाइट। मैं आगे बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स में ज्यादा शुगर होती है, कौन से फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, कौन से फ्रूट्स आपको फूड्स एंड फ्रूट्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। फ्रॉम हियर आई मूव टू द सेकंड टिप, दैट इज कंज्यूम गुड फैट। आपको जो जितने भी बैड ऑयल्स हैं, बैड फैट है, वो आपको अवॉइड करने हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो में बता रखा है कि कोलेस्ट्रॉल पीपल के लिए सैचुरेटेड फैट कितना हार्मफुल है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे क्योर कर सकते हैं, वो आप आई बटन में प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को। मेरी लास्ट वीडियो थी वो हाउ टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल नेचुरली, सो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आई बटन पर प्रेस करके। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको होल फैट जितने भी थिंग्स हैं, चाहे होल फैट दही हो, होल फैट मिल्क हो, कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ट्राई टू यूज नो फैट और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। जितने भी बाहर के चिकन होते हैं, होल फैट चिकन होता है, फुल आपको चिकन कभी भी कंज्यूम नहीं करना, बिकॉज दैट इज रिच इन सैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट मे कॉज यू कोलेस्ट्रॉल एंड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। तो
तो आपको वो सब अवॉइड करना है, जितने भी आप रिफाइंड ऑयल गर्म यूज़ करते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो सब आपको अवॉइड करने हैं। ट्राई टू यूज़ ऑलिव ऑयल, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, नियर अबाउट 500 rupees a liter या 600 rupees a liter आता है, पर You are investing on your health. पहले से precaution लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि later on आपको पता है hospital के कितने खर्चे होते हैं, lakhs and lakhs of rupees आप spend कर देते हैं hospital में, उस वक्त नहीं सोचते तो ये 500-600 रुपये की चीज़ आप लेने में क्यों सोच रहे हैं, because this is your good investment on your health. Invest on your health today so that you don't have to visit hospital ever in your life. जितने भी processed food है, check on that. आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। अगर कोई भी आप फूड कंज्यूम करते हैं, ट्राई टू लुक एट द न्यूट्रिशनल लेवल और द इंग्रेडिएंट लेवल फॉर द सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी बैड फॉर यू। आपको वो ज़रूर चेक करना है उसका इंग्रेडिएंट लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल। उसमें अगर सैचुरेटेड फैट है ज़्यादा क्वांटिटी में, योर लिमिट फॉर द डे, अगर एक दिन की लिमिट की बात करें तो आपकी लिमिट है 15 से 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट की। अगर आप उससे ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं तो That is very bad for you. आपको वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। जिसमें भी 15 से 20 ग्राम अगर लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है तो आप उस फूड को अवॉइड करिए। जैसे अगर मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूँ, तो अगर आप एक चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं अपना, एक चम्मच जो टेबल स्पून होता है आपके घर में, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपकी लिमिट वहीं पर क्रॉस हो जाती है, आपकी लिमिट वहीं की पूरी हो जाती है, दिन की 15 ग्राम वहीं पर पूरी हो गई। तो आपको सोच सकते हैं आप कितना सैचुरेटेड फैट दिन में ले रहे हैं, जो आपको कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज हो सकता है, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर लिंक्ड, कम्प्लीटली लिंक्ड। जितने भी रेड मीट है वो आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो कॉज सैचुरेटेड फैट प्रॉब्लम। ट्राई टू एड नट्स, नट्स जितने भी होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, जैसे कि आमंड्स, वॉलनट्स, दीज ऑल आर रिच इन ओमेगा 3। ट्राई टू एड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ नट्स और सैलमन और ट्यूना फिश। फिश बहुत ही अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, उसमें ओमेगा 3 होता है। अगर आप फिश कंज्यूम नहीं कर पा रहे, आप सीड्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे, आप नट्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो ऐड करिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट। ओमेगा 3 के दो सप्लीमेंट आते हैं, वन फॉर वेजिटेरियन, वन फॉर नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्लैक्स सीड ऑयल, ये सप्लीमेंट आता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फिश ऑयल विल बी द बेस्ट। तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें मैं बता रखा है कि कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए, कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, आमंड्स, वॉलनट्स एंड ऑल। अब ये नट्स क्यों खाने हैं, नट्स आर रिच इन ओमेगा 3 और इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होंगे और इससे आपका डायबिटीज़ कम होने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ का एक ही रीज़न होता है, अगर आप रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं तभी आपको डायबिटीज़ का खतरा होता है, तभी आपको डायबिटीज़ होती है, तभी आप प्री डायबिटिक होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपको कंज्यूम करने हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक नहीं होगा, वो ब्लड में जाकर हल्के हल्के एब्जॉर्ब होते हैं, उनका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक नहीं होता, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है, कम होती है जितने भी आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम करते हैं। तो आपको आप जितने भी फूड आप कंज्यूम करें उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें, वो 50 से कम होना चाहिए। जितनी वेजिटेबल्स आपको सब कंज्यूम करनी है, आपको दो बार सैलड खानी है, उसमें कुकुम्बर ऐड करिए, टमाटोज ऐड करिए, कैरेट ऐड करिए, ये सब आप ऐड करके सैलड प्रिपेयर करिए और नियर अबाउट 2-3 टाइम्स आप दिन में कंज्यूम करिए। अब आप देखेंगे कि कैरेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, नियर अबाउट 70 के आसपास होता है, पर दैट इज़ ऑल्सो रिच इन सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए, और वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक तुरंत नहीं होने देता, इसलिए आपको वो कोई भी वेजिटेबल के बारे में कोई नहीं देखना, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर सारी वेजिटेबल कंज्यूम करें। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है, स्पिनच विल बी द बेस्ट वेजिटेबल, अगर कंज्यूम कर सकते हैं स्पिनच कंज्यूम करिए, एंड ट्राई टू यूज़ रॉ स्पिनच। जब आपको उसको कुक कर देते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, बस आप अपना पेट भर रहे हैं। जो आप हाई फ्लेम पर कुकिंग करते हैं अपने घर में, वो आपको नहीं करनी किसी वेजिटेबल की। ट्राई टू ईट एज मैनी एज रॉ वेजिटेबल एज यू कैन। थर्ड आइटम मैंने बता दिया है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करने हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स में हाई फैट है तो वो आपको कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि दैट इज़ अगेन सैचुरेटेड फैट, और मैंने बता रखा है सैचुरेटेड फैट आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है और आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है लेटर ऑन। लेग्यूम्स ऐड करने हैं आपको, जितने भी चने होते हैं, दाल होती है,
ट्राई टू यूज बॉइल्ड फूड्स लाइक बॉइल्ड दाल आप यूज करिए, उसमें ऑयल का यूज ना करें तो अच्छा है, और अगर ऑयल का यूज करना है आपको तो ट्राई टू यूज ऑलिव ऑयल एंड जितने भी व्हाइट चना है, ब्लैक चने आते हैं, ब्लैक छोले, जितने भी चीजें होती हैं आप ट्राई टू कंज्यूम दैट. It will be really beneficial for your health. मैं legumes की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें fiber है और fiber आपकी health के लिए बहुत अच्छा है, आपके diabetes level को वो कम करने में काफ़ी help करेगा, और अगर आपको cholesterol है तो वो भी cholesterol कम करने में भी बहुत help करेगा. Next, whole grain food. And now लोग बहुत बड़ी mistake करते हैं यहाँ पर, लोग white rice consume करते हैं. लोगों को पता नहीं होता कि white rice से उनका blood sugar level regular spiking हो रही है, पर वो करते रहते हैं क्योंकि उनको टेस्ट आता है वाइट राइस में. आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे खेतों में, जब हमारे फार्म्स में राइस उगाए जाते हैं तो वाइट राइस नहीं उगते, वो उगता है होल ग्रेन. होल ग्रेन में से दो लेयर जब आप बाहर के निकाल देते हैं तो उसको पॉलिश करके हमारे घर में वाइट राइस आता है. तो उसमें से जितने भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, जितनी भी चीज़ें थी वो तो आपने निकाल दी, वो तो फैक्ट्री प्रोसेसिंग में निकल गई. अब अंदर का पार्ट बचा है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और उसकी जो वैक्सी लेयर है वो आपको नहीं चाहिए. उससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए. तो आप आज ही वाइट राइस को रिप्लेस करिए ब्राउन राइस से. ब्राउन राइस होल ग्रेन है और जितने भी होल ग्रेन फूड है वो आपको कंज्यूम करने हैं क्योंकि दे ऑल आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड. वो आपकी ब्लड में तुरंत ब्लड शुगर लेवल स्पाइकिंग नहीं करते, वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होते, तो आपको वो ऐड करने हैं. जितने भी आप अगर ओट्स खाते हैं तो ट्राई टू ऐड होल ओट्स, जो क्वाकर के रॉ ओट्स आते हैं वो ऐड करिए. होल ग्रेन, होल रोटी, जितने भी होल ग्रेन फूड हैं आपको वो कंज्यूम करने हैं. नाउ फ्रूट्स में, फ्रूट्स की बात आती है तो हम बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो शुगर फ्रूट्स. इसमें आती है बेरीज, एप्पल, पियर, ग्रेपफ्रूट, जितने भी आप फ्रूट्स लिखे हुए हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आप स्वीट पोटैटो कंज्यूम करिए, डोंट यूज वाइट पोटैटो बिकॉज अगेन वाइट पोटैटो इज हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो तुरंत ब्लड शुगर लेवल स्पाइकिंग करता है, उसमें विटामिंस की बहुत कमी है. यू नो दैट स्वीट पोटैटो इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन ए वेरी बेनिफिशियल फॉर योर आईज. यहाँ पर आप एग्स ऐड करिए. सो एग वाइट्स आप जितने भी चाहे कंज्यूम कर सकते हैं, और आपको जो होल एग्स होते हैं जिनमें येलो पोर्शन होता है वो आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, मैक्सिमम दो होल एग आप कंज्यूम कर सकते हैं दिन में. उसके अलावा अगर जितने भी एग्स खाने आप खा सकते हैं, एग वाइट्स खाइए. एग वाइट्स में प्योर प्रोटीन होता है, अगर होल एग कंज्यूम करते हैं तो उसमें फैट होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको मैक्सिमम दो से ऊपर कंज्यूम नहीं करने हैं. अब कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. जितने भी आप फूड्स लिखे हुए हैं जैसे वाइट राइस, जितने वाइट पोटैटो, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, ये सारे फूड्स जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हैं. वो तुरंत ब्लड शुगर लेवल का स्पाइक होगा, तुरंत फिगर ऊपर जाएगी और तुरंत आधे घंटे के अंदर क्रैश हो जाएगी. तो आपको एनर्जी तो मिले नहीं, आपने और अपने इंसुलिन को ख़राब करा, अपने डायबिटीज़ का खतरा वहाँ पैदा करा. अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और डायबिटीज़ है तो आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से आपको पता है क्या हो सकता है, डायबिटीज़ से आपकी आँखें खराब हो सकती है, आँखें डैमेज हो सकती है. इट डैमेजेज योर आइज, इट कैन डैमेज योर नर्व्स, इट कैन डैमेज योर किडनी. सो आप अपनी रिस्क कर रहे हैं लाइफ में, अपने ऑर्गन्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं आप वो सब फूड्स कंज्यूम करके, तो बिल्कुल बंद करिए. आपको डायबिटीज नहीं है आज, अगर आप नॉर्मल हैं तो भी ये फूड्स बंद करिए. आई एम नॉट टेलिंग यू टू कम्प्लीटली शट डाउन दीज फूड्स, मतलब आपको कम्प्लीटली बंद नहीं करने, आपको रिप्लेस करनी है. ट्राई टू मेक हेल्दी चॉइसेस. अगर आप वाइट राइस यूज करते हैं, ट्राई टू ऐड ब्राउन राइस, रिप्लेस करना है, क्या दिक्कत है. अगर आप वाइट पोटैटो यूज करते हैं, ट्राई टू ऐड स्वीट पोटैटो, सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं हम. होल रोटी का आपको कंज्यूम करिए, होल जो आप वाइट ब्रेड कंज्यूम करते हैं उसकी जगह ब्राउन ब्रेड यूज करिए, तो आप रिप्लेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बंद नहीं करी हमने यहाँ पर. अगर आप ये फ्रूट्स यूज करते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये बंद करिए, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट दैट. पर जो भी फ्रूट आप कंज्यूम करें उसमें शुगर जरूर चेक करिए. आपको सर्विंग का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको 36 ग्राम अगर आप मेल है तो 36 ग्राम के ऊपर आपको नहीं जाना शुगर लेवल, अगर आप वेमेन है तो 22 ग्राम के ऊपर नहीं जाना. तो ट्राई टू ऐड डैट मच सर्विंग जिससे आप ये लिमिट्स क्रॉस ना करें, ये 36 ग्राम और 22 ग्राम की लिमिट क्रॉस ना कर रहे हो. तो उतना ही फ्रूट ऐड करें, शुगर लेवल ज़रूर चेक करें फ्रूट का. मैं बताऊं तो आपको एक से दो सर्विंग में इतनी लिमिट आपकी सेफ रहेगी, आप सेफ रहेंगे. और एक से दो सर्विंग कितनी होती है, नियर अबाउट 200 ग्राम पर डे.
200 ग्राम पर डे के ऊपर आपको किसी फ्रूट में नहीं जाना, और कट डाउन ऑन शुगर, जो रिफाइंड शुगर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिट 5 ग्राम कर दीजिए, मतलब एक टीस्पून जो आप पूरा टेबल स्पून यूज़ करते हैं वो 15 ग्राम का होता है, जो छोटा वाला स्पून होता है उसका होता है साइज 5 ग्राम, तो 5 ग्राम से ऊपर आप रिफाइंड शुगर ना डालें। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। यहाँ पर है हाई शुगर फूड, जैसे मैं बता रखा है कैंडी, इंडियन स्वीट, ये तो कॉमन है, ये तो आपको ये पता होगा कि आपको अवॉइड करने हैं ये सब फूड आपके कितने हार्मफुल हैं, अगर आप नॉर्मल हैं तब भी आप कितने हार्मफुल हैं ये फूड्स आपके लिए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप ओट्स यूज़ करते हैं, आप जूसेस यूज़ करते हैं, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट लेबल एक बार चेक करिए कि उसमें क्या क्या डला होता है, कितना सैचुरेटेड फैट होता है, कितना ज़्यादा सोडियम होता है, कितने और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं कर रहे। कंपनी अपना चीज़ें बेचती है मार्केटिंग टर्म्स पर, जो हाई फाइबर, हाई ओमेगा 3 एंड दोस फैंसी टर्म्स, वो उसमें बिल्कुल नहीं होता, उसमें मिलीग्राम्स में होता है, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो बी अ स्मार्ट कस्टमर, ट्राई टू लुक एट द इंग्रेडिएंट लेबल, ट्राई टू लुक एट द न्यूट्रल फैक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट यू आर परचेजिंग, तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो आप सूप्स यूज़ करते हैं दे आर हाई इन सोडियम, हाई इन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, तो आपको वो भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। पैक्ड सूप है, ट्राई टू कंज्यूम जो नेचुरल सूप होते हैं, जो आप घर में कुक करें, वेजिटेबल सूप आप घर में अपनी हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता है आप क्या डाल रहे हैं उसके अंदर। जो आप बाहर से सूप ला रहे हैं पैकेट में, 2 मिनट में कुक हो जाता है, 1 मिनट में कुक हो जाता है, वो आपको नहीं चाहिए, वो आपकी हेल्थ बेनिफिट नहीं कर रहा, आपको समझना पड़ेगा, वो आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बता रखा है कि हाई GI फूड आपको कंज्यूम करें, जो भी आप फूड कंज्यूम करें ट्राई टू लुक एट द GI फिगर, और वो आपको चाहिए 50 से नीचे जितने भी GI फूड्स हैं आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक है, तब भी ऐसी डाइट फॉलो करें। अगर आप नॉर्मल है तो डोंट लुक एट द GI इंडेक्स, बस ये देखिएगा कि ये जो मैंने फूड्स बता रखे हैं, ये वाइट राइस, ये सब मैदा, चिप्स, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि ये दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने बताया कि आप डायबिटीज अपना कैसे क्योर कर सकते हैं और डायबिटीज के खतरे से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक वीडियो को जरूर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक शेयर किसी और के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आप अपने एल्डर्स के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जिसको भी इस इंफॉर्मेशन की नीड हो उसके साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बिल्कुल फ्री है। इसका फायदा यह होगा कि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाया करेगा। उसके बगल में बेल बटन है, उसको क्लिक करके आप रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। सो दिस इज उत्कर्ष वाधवा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।